सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक है हमारा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ईकारांत, बड़ी ईकारांत, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा हो उसे ईकारांत, उसे क्या कहेंगे? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में किसकी मात्रा हो? बड़ी ई की मात्रा हो, उसे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहते हैं। यथा नदी, देवी, नारी, पत्नी, स्त्री इत्यादि, ठीक है। यहाँ देखो, नदी के दी में बड़ी ई, देवी के वी में बड़ी ई, नारी के री में बड़ी ई, पत्नी के नी में बड़ी ई, स्त्री के त्री में बड़ी ई, ठीक है। सब में बड़ी ई की मात्रा है। एक शब्द रूप आपको समझा देती हूँ, उसके बाद सारे एक जैसे आएंगे। एक शब्द रूप को याद कर लें, वैसे ही सारे बनाते जाना। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी शब्द रूप में र री षटकोण वाला क्षय और क्षत्रिय वाला क्षय आए तो अपने को क्या करना है? तृतीया में तो स्त्रीलिंग में होगा नहीं, और किस में होगा? षष्ठी बहुवचन में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ स्त्री में है तो षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा? स्त्री नाम, ठीक है। अब बेटा देखो, नदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द रूप, नदी, नद्यो, नद्यय, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, नद्य, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नद्ययम, नद्ययो, नदी, नद्यया, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ययी, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्यया, नदीभ्याम, नदीभ्य, फिर षष्ठी एक वचन में नद्यया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नद्या, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीसु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये नदी शब्द ईकारांत हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो, मैं आपको देवी शब्द इसमें रिपीट करवा दे देती हूँ। देवी, देव्यो, देव्य, देव्यम, देव्यो, देवी, देव्यां, देवीभ्याम, देवीभि, देव्यई, देवीभ्याम, देवीभ्य, देव्यां, देवीभ्याम, देवीभ्य, देव्यां, देव्यो, देवीनाम, देव्यां, देव्यो, देवीषु, हे देवी, हे देव्यो, हे देव्य, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम छोटा ऊकारांत यानी कि धेनु शब्द का रूप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।